स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये स्वामी जी के पास तो पहले से रिकॉर्ड कर रखी है, फिर स्वामी जी कहाँ है? ओम नमः शिवाय। मैंने सुना है मुल्की जागा कोई चमत्कारी मूर्ति निकली है, वहां तो बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। अफवाहें फैलाने वाले बहुत लोग हैं, ऐसी बातों पर ध्यान मत दो। सच्चाई तो यह है कि उस जगह पर एक बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है। हो दिया और बाती हम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु भाई, हाँ, क्रिकेट का कहाँ छूटा हुआ है? अरे हाँ गुरु भाई, आप एक काम कीजिए, यहीं पर पहरा दीजिए, मैं स्वामी जी के पास जाता हूँ। आप चिंता ना करें, एक रास्ता और है मेरे पास, आइए। जी ये सब आप क्या कर रहे हैं? वक्त बीता जा रहा है, स्वामी जी भी थोड़ी ही देर में बाहर आ जाएंगे। सूरज जी, ये यहाँ स्टोर रूम में सूरज जी ये आप क्या कर रहे हैं? शांत रहिए। सूरज जी ये आप क्या कर रहे हैं? यहां से हम स्वामी जी पर नजर कैसे रख पाएंगे? संध्या जी, जब हमारा घर एक मंजिला था तो ये जगह, इतनी जगह भाभों के कमरे का उजालदान था, और दूसरी मंजिल बनने के बाद ये स्टोर रूम में आ गए, तो मैं इसको यहां से निकालता हूं, फिर देखते हैं। ये स्वामी जी के पास तो पहले से रिकॉर्ड कर रखी है, फिर स्वामी जी कहाँ है? ओम नमः शिवाय। मैंने सुना है मुल्की जागा
कोई चमत्कारी मूर्ति निकली है। वहां तो बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। अफवाहें फैलाने वाले बहुत लोग हैं, ऐसी बातों पर ध्यान मत दो। सच्चाई तो यह है कि उस जगह पर एक बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप बिल्कुल सही लोगों के साथ सही समय पर हाथ मिला रहे हैं। आपका भाग्य चमक रहा है। अपनी अपनी लकीर, कोई राजा कोई फकीर, बस यूं समझिए कि आप राजा बनने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच मिस्टर ओ सॉरी, मैं आपका फर्स्ट नेम भूल गया। गोविंद, गोविंद लाल। थैंक यू सो मच मिस्टर गोविंद लाल, थैंक यू सो मच, विल स्पीक वेरी सून, ओके, थैंक यू, बाय बाय। ये खून की बूंद यहां कैसे गिरी? इसका मतलब आपका शक सही था संध्या जी, ये स्वामी जी नहीं बल्कि गोविंद लाल नाम का आदमी है, जो भगवान की भक्ति की आड़ में लोगों की भावनाओं के साथ छल कपट कर रहे हैं। ये शिव जी के नहीं बल्कि पैसे के पुजारी हैं, और ये रूप उन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए रखा है। सबसे बड़ी बात यह है संध्या जी कि वो वहां पे कोई मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि माल का निर्माण करने जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे संध्या जी। हम अभी के अभी सारे लोगों के सामने स्वामी जी का असली चेहरा लाएंगे और उनकी नीयत खोल के रख देंगे। चलिए मेरे साथ। सूरज जी रुकिए। जी, लोगों की भीड़ देखी है आप, उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा देखी है आप। सूरज जी, लोग आंखें बंद करके स्वामी जी को भगवान माने बैठे, ऐसे में हमारी बात पर विश्वास कौन करेगा? कोई भी तो ठोस सबूत नहीं है हमारे पास स्वामी जी की सच्चाई साबित करने के लिए, और ब्रेंडन की बात पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। सूरज जी, अभी तक सिर्फ हम दो बातें ही जान पाए, पहली ये कि स्वामी जी का असली नाम गोविंदलाल है, और दूसरी ये कि वो कॉलेज वाली जमीन पे मंदिर बनाने की बजाय मॉल बनाना चाहते हैं। मगर लोगों की नजर से ये सच्चाई बहुत दूर है। तो क्या करें संध्या जी? स्वामी जी के इस छल को चलने थे, ये थे जैसे उस मंदिर के साथ आप विद्यार्थियों के साथ उनके सपनों को टूटने थे। कभी नहीं, अगर हमें यही करना होता तो इतना सब करते ही क्यों? देखिए सूरज जी, अभी तक हमने जो भी किया है बहुत ही सावधानी से किया, इसलिए अभी तक कोई हंगामा नहीं हुआ, इसलिए हमें आगे भी जो भी करना है बहुत ही सोच समझ के बहुत ही सावधानी से करना होगा। वैसे मैंने ब्रेंडन से उस सौदे की कॉन्ट्रैक्ट कॉपी मंगवा ली जो खुद ब खुद स्वामी जी की नियत का भांडा फोड़ देगी। लेकिन वो सौदे की कॉपी आने में टाइम है सत्या जी। अरे स्वामी जी, ये स्वामी जी नींव पत्थर आज ही रखने वाले हैं शाम को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सूरज जी, हमारे पास वक्त तो बहुत कम है, हमें इसलिए जो भी करना होगा बहुत जल्दी करना होगा।
आप अभी चलिए मेरे साथ, चलिए। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।